प्रयागराज में एक सिपाही पर युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीएसी में तैनात सिपाही ने शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो सिपाही ने मना कर दिया। शिकायत करने की धमकी देने पर सिपाही ने युवती को धमकी देकर भगा दिया। युवती की तहरीर पर फाफामऊ थाने में रेप का मुकदमा लिख लिया गया है। नवाबगंज इलाके की रहने वाली युवती फाफामऊ के गोरी गांव में अपने ननियाल में रहती है। आरोप है कि थरवई का एक युवक गोरी गांव में अपने रिश्तेदारों के घर आता जाता रहता था। ये युवक पीएसी में सिपाही है, वर्तमान में वो लखनऊ में तैनात है। आरोपी सिपाही से युवती की दोस्ती हो गई, ये बात 2 साल पुरानी है। युवती का आरोप है कि धीरे धीरे उसने उसको प्रेम जाल में फंसा लिया, इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती का कहना है कि जब उसने शादी की बात की तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। इधर जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो सिपाही ने उसको धमकाकर वहां से भगा दिया। फाफामऊ के इंस्पेक्टर ने कहा है कि युवती की तहरीर पर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी सिपाही की तलाश चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।